नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। आपने सीट को लेकर ट्रेन और बसों में अक्सर झगड़े देखे और सुने होंगे, लेकिन अमेरिकन एयरलाइन की एक फ्लाइट में भी सीट को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ जिसको देखकर उसमें सवार यात्रियों को अपनी चिंता होने लगी। दो यात्री प्लेन में इस कदर भिड़ गए, एयरलाइन के कर्मचारियों को भी उनको रोकना मुश्किल हो गया। इसके बाद आखिरकार पुलिस बुलानी पड़ी, तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। गनीमत यह रही कि कुर्सी की यह लड़ाई विमान के लैंड करने के बाद हुई। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यह फ्लाइट न्यू ऑरलियंस से टेक्सास जा रही थी। जैसे ही विमान ने लैंड किया तो दो यात्री आपस में झगड़ने लगे। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें यात्री फिल्मी स्टाइल में फाइट करते नजर आ रहे हैं। आसपास बैठे हुए लोग दोनों को रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर दोनों यात्री एक दूसरे को लात मुंह से मारते रहते हैं। कुछ ही देर में फ्लाइट में चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीट रिक्लाइंड पोजीशन पर अटक गई थी। इसी को लेकर दोनों यात्री एक दूसरे से उलझ पड़े। विमान में मौजूद एक यात्री ने बताया कि जब प्लेन ऑस्टिन में लैंड हुआ तो सीट बेल्ट साइन ऑफ थे। इसी बीच एक व्यक्ति दूसरे के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों यात्री एक दूसरे से लड़ते लड़ते कई यात्रियों पर भी गिर जाते हैं। इस अचानक हुई लड़ाई से बाकी के यात्री हैरान हो गए और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। कैबिन क्रू के सदस्यों ने भी लड़ने वाले दोनों यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, पर दोनों ही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस दोनों को विमान से ले गई, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ऑस्टिन के लॉ इन्फोर्समेंट विभाग का कहना है कि घटना के संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़ हिंदी।